लखीमपुर खीरी की तहसील गोला गोकर्णनाथ में विद्युत विभाग की लापरवाही से मासूम जान जा सकती है। पीड़ित अशफाक अली से मिली जानकारी से पता चला कि श्यामनगर कॉलोनी में 33,000 लाइन का पोल जड़ से सड़ चुका है तथा वह लाइन कॉलोनी के बीचों बीच से निकली है। वहां पर आबादी काफी है, जब तेज बरसात होती है यहाँ तेज हवाएं चलने लगती है तो वहाँ के लोग डर के कारण अपना मकान छोड़कर भाग जाते हैं। अशफाक अली से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 5 दिन पूर्व विद्युत विभाग के एसडीओ को इस बात की सूचना प्रार्थना पत्र के माध्यम से दे चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। बिजली का खंभा गिरने वाला है, किसी समय गिर सकता है, लौंडा बच्चा मर सकता है। एप्लीकेशन आज 4 दिन हुए दिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दे दिया कि सही हो जाएगा। लोगों का कहना है कि कोई भी अप्रिय घटना हुई तो उसका जिम्मेदार गोला विद्युत विभाग के आला अधिकारी होंगे। गोला देहात के प्रधान प्रतिनिधि ने भी बताया कि वह खुद मौके पर गए हैं और उस पोल की स्थिति बहुत दयनीय है। अगर वह पोल गिर जाए तो सैकड़ों मासूमों की जान जा सकती है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही और वह घटना का इंतजार कर रहे हैं। समस्या खंभा गिरने वाला है, दिन दिन भर सब बाहर रहते, पानी बरसता है तो उसमें बैठते हैं छप्पर। नहीं, खंभे में कमी क्या है? कमी पूरा छिटका हुआ है, होल है नीचे से। नीचे से हाँ। कौन सी लाइन है? 33,000। ये गोला, ये बिजली विभाग में मैं आया सोमवार को। जी, जो एप्लीकेशन एसडीओ महोदय धर्मेंद्र यादव जी को दी। जी, तो धर्मेंद्र यादव ने रिसीव किया उसको लेकर और एप्लीकेशन पे मेरा मोबाइल नंबर डालकर उनको संतुष्ट करके भेज दिया यहाँ से। समस्या ये थी कि श्यामनगर कॉलोनी जो गोला देहात के करीब में पड़ती, वहाँ के एक निवासी अशफाक अली हैं, उन्होंने हमको जानकारी दी कि भाई साहब ये यहाँ पर दिक्कत है। तो मैंने जाकर मौके पर देखा कि वहाँ की पोजीशन ठीक गया 33,000 लाइन की, जो वहाँ पे गिरेगी तो वहाँ के मोहल्ले की पूरी बस्ती साफ हो जाएगी। 33,000 लाइन की समस्या ये है, जो बिजली का जो पोल है वो नीचे से पूरी तरीके से सड़ चुका है, पूरा गायब हो चुका है। अगर तेज़ आंधी आ जाए या तेज़ हवा आ जाए तो गिर सकता है, वहाँ की पूरी बस्ती साफ हो। अगर कल के कोई घटना होती है, इसका जिम्मेदार विद्युत विभाग और एसडीओ महोदय और यहाँ के जो बड़े साहब हैं उनको भी मैंने अवगत कराया था बुधवार को, तो उन्होंने भी मेरा मोबाइल नंबर लिखकर संतुष्ट करके मुझे भेज दिया कि जाइए आपका काम हो जाएगा।